रिस्क किसे कहते हैं? सिर्फ पैसा और माल ही रिस्क में शामिल नहीं, बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में दर्ज ज़ैल चीज़ें भी रिस्क में शामिल हैं। नंबर एक, ईमान की दौलत। इस फितने के दौर में ईमान की दौलत नसीब होना भी बहुत बड़ी नेमत है। नंबर दो, इलम, जहानत, हिकमत और समझदारी। नंबर तीन, सेहत, आफियत और अज़ा की सलामती। नंबर चार, नेक बीवी भी रिस्क में शामिल है। नंबर पाँच, नेक औलाद। नंबर छः, नेक पड़ोसी और मुखलिस दोस्त। नंबर सात, लोगों की मोहब्बत। लिहाजा रिस्क की कमी और तंगी की शिकायत की बजाय हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करें।